आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीवी 9 भारत वर्ष से खास बातचीत की है और कहा कि शशि थरूर हमारे छोटे भाई हैं, हमें आपस में नहीं बल्कि मोदी और शाह से लड़ना है। वो कहते हैं जब कि अगर खड़गे साहब अध्यक्ष बनते हैं तो स्टेटस को वाली बात है, और अगर मैं बनता हूँ तो मैं बदलाव की बात करूँगा, मैं बदलाव की बात करता हूँ, मैं पार्टी को आगे ले जाने की बात करता हूँ। हम ये तो हमारे घर की लड़ाई है और घर में ये हमारे छोटे भाई ठहरे हैं, वो उनकी बात अलग हो सकती है, मेरी बात अलग होती है, लेकिन दोनों का जो मत है कि पार्टी को कैसा मजबूत बनाना। हमने ऑलरेडी उदयपुर जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें तो सारे चीज़ क्या कर सकते हैं, हम कैसा ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, कितने लोगों को इसको अंदर लाना है, ये सब चीज़ें उसमें हैं। युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, SC ST के लिए है, किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, और हम सरकार में आने के बाद देश के हित में क्या करना है, सारी चीज़ें उसमें हैं। और वो भी 4 महीने पहले ही हम डिक्लेयर किए, अब कौन सा नया इसमें बदलाव उन्होंने। देखो भाई, डिबेट में नहीं जाता, और मैं पहले ही कहूँ डिबेट की बात मैं नहीं करता, बार बार वही बात करने से कोई फायदा नहीं। हम दोनों को लड़ना है, मोदी और शाह के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, जो महंगाई जो डीजल पेट्रोल की दामें बढ़ रही उसके खिलाफ, जो हमारे दुश्मन हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, अंदर आ रहे हैं, वो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है या वो जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ लड़ना है। आपस में डिबेट हम उनसे भी करना है ना, पार्लियामेंट में जब मौका मिलता है तो हम उनके खिलाफ डिबेट करेंगे, देश को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए तो कलेक्टिव लीडरशिप है यार।